रायबरेली में कांग्रेस पार्टी का पारंपरिक गढ़ रहा है। गांधी परिवार से इसका एक रिश्ता है। रायबरेली की जनता ने इस बार एक ऐसे राष्ट्रीय नेता को वोट डालना है जो हिंदुस्तान की भविष्य की राजनीति को तय करेंगे। इसमें कोई दावा नहीं है कि आने वाले में समय में रायबरेली पूरे हिंदुस्तान में अपने नाम से और अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि से जाना जाएगा। सर, ये कैसे देखते हैं, मुद्दे क्या देखते हैं? चार चरण के चुनाव हो चुके हैं, किस तरफ जा रहा है? देखिए, हमको तो जो राहुल गांधी जी ने कहा है, यहाँ लोगों के पास ओल्ड पेंशन स्कीम का है कि यूपी में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होनी चाहिए, रोजगार मिलने चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए, इन सब के अलावा प्रशासनिक क्षमता का परिचय देते हुए उन्हें गांव के लोगों तक विकास की रोशनी पहुंचनी चाहिए। सब मुद्दे आने वाले चुनाव होंगे। प्रधानमंत्री के ऊपर आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि वो धर्म की राजनीति करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैंने कभी भी हिंदू मुसलमान की बात नहीं की है। इस बारे में मुझे तो कोई जानकारी नहीं, क्योंकि मैं आज ही रायबरेली में आया हूँ। लेकिन हमारी राजनीति समाज के समुचित विकास की है। बहुत बहुत धन्यवाद।